वेलकम बैक फ्रेंड, आपकी यूट्यूब चैनल इंडलस स्टडी सेंटर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और आज से आप लोगों के लिए हिंदी की एक नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जा रही है, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट के चल रहे हैं। एक सेट संस्कृत का भी मैंने दिया हुआ है, इन्वायरमेंट के करीब 5-6 सेट दे रखे हुए हैं जो अभी रिसेंट में चल रहे हैं। इसके पहले तो प्ले लिस्ट में आपके सभी सेक्शन के मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट और नोट्स। फिलहाल जो करंट में चल रहे हैं उसकी हिंदी की, आज से मैं एक नए कंटेंट में आप सभी लोगों के लिए टॉप 15 प्रश्न लेकर आया हूँ। और ये सभी क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। आप किसी वनडे एग्जाम की कर रहे हैं या सीटेट यूपीटेट की स्पेशली कर रहे हैं तो उन अभ्यर्थियों के लिए है। और आगामी जो आप लिखित परीक्षा देंगे उन परीक्षा के दृष्टि से भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वन वर्ड वाले आंसर आपके रहेंगे, ऑब्जेक्टिव बेसिस पे यहाँ पे नहीं है। यानी कि इसको आप जो है, मैं क्वेश्चन एक बार रीड करूँगा, आप अगर आपको आता है तो आप आंसर जो है अपने आप में ही दे लीजिएगा, अदरवाइज मैं इसका आंसर तुम्हें बताई दूंगा। और इसके लास्ट में मैं आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन पुटअप करूंगा जिसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में देना होगा। इसलिए प्लीज़ उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिएगा, जिससे आप सभी लोगों को एक आपके जो क्वेश्चन डिक्शनरी आपके माइंड में है उसमें एक एक क्वेश्चन डे बाई डे इंक्रीज होता जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली ऐसे ही ऑथेंटिक नोट्स, प्रैक्टिस सेट, आपके सीटेट यूपीटेट या किसी भी अदर स्टेट के, अगर आप टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या वनडे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों के लिए चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और आप लोग से एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, इससे संबंधित अपने व्हाट्सएप एफबी ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न जो है आप सभी लोगों के एग्जाम में जो आपकी तैयारी चल रही है उसमें एक नई धार देंगे। पहला प्रश्न है, जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां कौन सा अलंकार होता है। क्वेश्चन कह रहा है जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है। ध्यान रखिएगा, अगर आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहे हो अनुप्रास में, तो अनुप्रास का मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। वहाँ पर जो एक वर्ड है उसकी आवृत्ति कई बार होती है, यहाँ पे कह रहा अनेक वर्ड की आवृत्ति केवल एक बार होती है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ओके, इसका आंसर आप सभी लोगों को देना है। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को बता दूँ, इसका आंसर होता है छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास की परिभाषा ही यही है कि जहाँ अनेक वर्णों की आवृत्ति जो है सिर्फ एक बार होती है वहाँ पर छेका अनुप्रास होता है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, साधारणतया छंद के कितने भेद हैं। छंद जो होते हैं उनके कितने भेद हैं मुख्य रूप से, ठीक है ना। तो छंद के दो भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। आपको कहेंगे किताबों में चार भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर मुख्य भेद की बात करेगा तो सिर्फ दो भेद आपको मिलेंगे, छंद के दो भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रायः रसराज की संज्ञा किस रस को अभिहित किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रसराज की संज्ञा किसे दी जाती है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, कभी कभी भी पूछता है कि कौन सी रस जो है उसे रसराज कहा जाता है। ये आपके सभी एग्जाम में आया है। अगर हम पीसीएस लेवल की बात करें तो पीसीएस लेवल में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर जो हो जाएगा श्रृंगार रस, ठीक है ना। श्रृंगार रस को जो ही रसराज कहा जाता है या फिर रसराज की संज्ञा दी जाती है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप सभी लोगों को पता है कि रस के जो है पहले 8 वेद थे, बाद में उसको एक वेद और बढ़ाया गया तो 9 वेद हो गए। अगर पूछेगा कि रस के कुल कितने भेद हैं तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, 9 भेद टोटल हैं, पहले 8 थे। ओके, पढ़नी के अनुसार, और उसके बाद एक वेद और बढ़ाया गया, तो प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है वो 9 भेद चल रहे हैं। तो बिल्कुल कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, वीर रस के 4 भेद कौन से हैं। तो 9 रस जो होते हैं उसमें से एक रस जो आपका होता है वीर रस होता है, ठीक है ना। और वीर का जो अस्थाई भाव होता है वो रौद्र होता है। तो यहाँ पर कौन कौन से वीर रस के भेद हैं, तो वीर रस के 4 भेद हैं। पहली बात आप लोग जान लीजिए कौन कौन से भेद हैं। एक होता है युद्धवीर, दूसरा होता है दानवीर, तीसरा जो होता है धर्मवीर, और चौथा जो होता है दयावीर। पहला क्या होता है, युद्धवीर होता है। ओके, दूसरा क्या होता है, दानवीर होता है, दानवीर होता है। और तीसरा जो आपका होता है धर्मवीर होता है, और चौथा जो आपका होता है दयावीर होता है। ओके, तो 4 वीर होते हैं युद्ध वीर में। युद्ध में जब उत्साह बढ़ाना होता है तो फिर इस टाइप के यहाँ पे जो पद्यांश होते हैं वो पढ़े जाते हैं। दानवीर में दया से संबंधित, जैसे कर्ण का अगर उदाहरण दिया जाता है तो दानवीर से संबंधित आता है। धर्मवीर में युधिष्ठिर से संबंधित आता है।
दयावीर में जो दयावान होते हैं उनके लिए आता है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में संलग्न हो जाए तो पहली क्रिया क्या कहलाती है। क्वेश्चन कह रहा है जब कर्ता जो है यानी जो हमारा सब्जेक्ट है एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में संलग्न हो जाए, मतलब कोई कर्ता अगर है सब्जेक्ट है अगर वो कोई काम कर रहा है उसका एंड वहीं पे हो जाए और तुरंत एंड होने के बाद कंटिन्यू सेकेंड वर्ब वहाँ पे हो जाए तो कौन सी क्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्णकालिक क्रिया, ओके। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत कम ही देखने को मिलेंगे, इसलिए अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को मिस मत करिएगा, सभी वीडियो को जरूर देखिएगा इसके जितने भी पार्ट आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया ज्वाइंट क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तो इसे नाम धातु की क्रिया कहते हैं, ओके। क्या कहते हैं, नाम धातु की क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जिस क्रिया के व्यापार का संचालन कर्ता द्वारा किया जाता है और फल भी कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। जिस क्रिया यानी वर्ब का व्यापार का संचालन कर्ता द्वारा किया जाता है, सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है और फल भी कर्ता पर ही पड़ता है उसे क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे अकर्मक हो जाएगी क्रिया, कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ओके। क्रिया दो प्रकार की होती है मेनली, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया, तो यहाँ पे जो क्रिया होगी वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ है। देखिए इस हिंदी के सेक्शन में आपका कंप्लीट ग्रामर आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन ग्रामर से छूटने नहीं पाएगा, चाहे आपका वो संज्ञा हो सर्वनाम हो क्रिया हो विशेषण हो संधि हो प्रत्यय हो उपसर्ग हो पर्यायवाची हो विलोम शब्द हो, सभी प्रकार के यहाँ पे ग्रामर के जितने क्वेश्चन बनते हैं इस एक पार्ट के सेक्शन में आ जाएंगे। इसी तरह जितने भी इसके पार्ट आएंगे सभी के सेक्शन में आपको पूरा कंप्लीट ग्रामर देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, तलवार की धार पर चलना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा कठिन कार्य करना, कठिन कार्य करना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिकना घड़ा होना, ये बहुत बार मुहावरा पूछा गया सभी एग्जाम में, पीसीएस लेवल के एग्जाम में पूछा गया है, चिकना घड़ा होना मुहावरे का क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्लज्ज होना, यानी कि बिल्कुल ही बेशर्म होना जिसे कह सकते हैं, तो चिकना घड़ा होना का मतलब होता है निर्लज्ज होना, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही परिचित होंगे आप लोग, बहुत बार पूछा गया है, अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का क्या अर्थ है। अंधे के हाथ बटेर लगना आप लोग नॉर्मल भाषा में भी आप सुनते होंगे, कहते होंगे कि अंधे के हाथ बटेर लग गए, ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, अप्रत्याशित लाभ होना। क्या होना, अप्रत्याशित लाभ होना, यानी जिसकी आशा ही नहीं थी और वो लाभ आपको मिल जाए तो उसी को अप्रत्याशित लाभ भी बोलते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, हाथ का पर्यायवाची, देखिए यहाँ पे पर्यायवाची भी सेक्शन आपको मिल जाएगा जो ग्रामर का है, तो हाथ का पर्यायवाची क्या होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 करंट आंसर हो जाएगा, इसके कई पर्यायवाची हैं आप कोई भी लिख सकते हैं, पाड़ी भी होता है आपका, हस्त भी होता है, भुज भी होता है और कर भी होता है, टैक्स वाला कर नहीं, हाथ को भी कर कहते हैं पर्यायवाची के रूप में, ओके। तो चार हैं कोई भी आप एक लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पक्षी का पर्यायवाची शब्द है, इसके भी कई पर्यायवाची होते हैं तो कोई भी आप एक लिख सकते हैं, पक्षी का होता है खग होता है, ओके। और भी इसके जो भी आप लिख सकते हैं, चिड़िया होता है, पंछी होता है, बिहग होता है, बिहंग होता है, ठीक है ना, इस टाइप के इसके पर्यायवाची आप याद कर लीजिए और इसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को रंग का विलोम बताइए। रंग, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो गरीब होते हैं उनका उनको कहा जाता है रंग, अगर हम पर्यायवाची की बात करें, और गरीब का जो विलोम हो जाएगा वो अमीर हो जाएगा, यानी रंग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, राजा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा धनवान या राजा, ओके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निर्देशक चिन्ह या रेख का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जो निर्देशक चिन्ह होते हैं या रेखिका भी उसे बोला जाता है, का प्रयोग कहाँ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का करंट आंसर हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर होगा वो संकेत के लिए होता है। निर्देशक चिन्ह जैसे ऐसे होता है ना, कोई भी शब्द कहा गया और उसके बाद उसके आगे ऐसे डैश खींच दिया गया, उसी को निर्देशक चिन्ह कहते हैं। तो किसके लिए होता है, संकेत के लिए होता है, सिंबल के लिए होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं। अभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे हो जाएगा, बहुव्रीहि समास,
कह रहा जब दो शब्द समास बनकर, मान लो दो शब्द कोई भी हैं वो तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो क्या हो जाएगा, वो बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आप सभी लोगों ने देखा होगा, जैसे अगर हम मैं कहूँ कि दशानन, दशा प्लस नन, तो दशानन हो गया, दो शब्द यहाँ मिलके दस, दशा मिल रहा है, दस मिल रहा है और आनन मिल रहा है। ओके, अगर सही से इसका हम संधि विच्छेद करें, दस प्लस आनन होता है, तो दो शब्द मिल रहे हैं, एक दस मिल रहा है एक आनंद मिल रहा है, ठीक है ना। दस का मतलब 10 होता है, आप सभी लोगों को पता है, आनंद का मतलब सिर होता है, यानी 10 सिर जिसके हों, अर्थात कौन हो जाएगा, तो 10 सिर किसके थे, रावण के थे, तो यहाँ पे ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और क्वेश्चन भी कहा हुआ था कि जब दो शब्द समास बनकर, तो 10 मिला हुआ था और आनंद मिला हुआ, तो दो शब्द मिले हुए थे, तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए, यानी इसकी विशेषता बता रहे थे तीसरे शब्द की, तो यहाँ पे क्या हो गया, रावण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, और इसी तरह आज का जो क्वेश्चन है आप सभी लोगों को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, सभी लोग क्वेश्चन की आंसर देने की कोशिश करिएगा। आज जन्म में कौन सा समास है, कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन वाले यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं रखे गए हैं, आप अपने तरफ से करेक्ट आंसर दीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑप्शन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी अगर आप लोगों को नीड होगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन से जो मैं आप सभी लोगों से पुटअप करूंगा उसका मैं ऑप्शन दे दिया करूंगा। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, एक ये जो चल रही है सीरीज मैंने स्टार्ट की हिंदी के लिए, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी तरह जॉब और एजुकेशन से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाने के लिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे डेली की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो तय समय पर आप देख सकें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू। और हमारा जो है आप ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर भी है, आप सभी लोगों को मैंने शेयर कर दिया हुआ है, तो आप जाके उस नंबर को आप ले लीजिए, या कमेंट सेक्शन में उसका, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं नंबर लिंक दे दूंगा उस ग्रुप का, या फिर व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप वहां से जा करके सीधे, अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, इस सब की जो कंटेंट है इसकी वीडियो और पीडीएफ पाना चाहते हैं सबसे पहले, तो आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।